हम लोग श्रीलंका के एज पे खड़े हैं, मतलब अभी एक मिनट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जमीन खत्म होता है और आगे पूरा समुंदर है, आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरा एज पे है हम लोग। और फक्ता ना कितना है और थोड़ा और गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हम लोग मिरिसा में आए थे, सदर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। तो अभी 2-3 दिन पूरा बीच साइड होगा, मतलब मिरिसा एंड देन कोलंबो। तो अभी हम लोग होटल से यहाँ पे व्हेल वॉचिंग के लिए आए हैं। ये मिरिसा का बहुत बड़ा हाईलाइट है टूर का, लक पे होता है, अगर दिखे तो दिखे, बट फिर भी हमने ले लिया है वो टूर। इसका डिटेल मैं टूर के बाद बता दूंगा। तो अभी हम लोगों के लिए होटल वालों ने ही ये सब अरेंज किया था, और वो जहाँ जैसे आप लोगों ने देख हम लोगों के लिए टुक टुक भी अरेंज किया था। तो हम लोग टुक टुक मतलब रिक्शा से यहाँ पे आए हैं मतलब उल्टी करने के लिए। जस्ट हम लोग अभी वापस आ गए, बहुत थोड़ा बम्पी राइड था पूरा, ऐसा 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 एकदम समुंदर के बीच में गए थे तो पूरा लहरों के बीच में ऐसा ऐसा हो रहा था, बट ठीक है वन टाइम एक्सपीरियंस के लिए। और लास्ट में तो लक पे है, अगर दिखा है तो दिखे, व्हेल तो नहीं दिखे बट 3-4 डॉल्फिन दिखे, बट वो भी जस्ट ऐसे ऐसे करते जाते हुए, ऐसा पूरा दिखा है वैसा नहीं, बट ठीक है अभी जो है वो है। अभी फिर से होटल पे जाएंगे और यहाँ के एक दो पॉइंट है वो अभी कवर करेंगे। मिरिसा के बहुत फेमस एक कैफे है, बीच साइड कैफे, वहाँ पे आ गए हैं। ये पेटी पेटी करके आपने शायद देखा होगा या फिर सुना होगा, ये इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस कैफे है। भी यहाँ का अगला स्पॉट है कोकोनट हिल करके, एक व्यू पॉइंट है, मतलब ऐसा शायद से ऐसा छोटा सा क्लिफ जैसा है, व्यू पॉइंट ही है बाकी कुछ नहीं, बट बहुत सुंदर है। तो हम लोग अभी वहाँ जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये व्यू पॉइंट कोकोनट हिल। तो ये है वो छोटा सा क्लिप।
तो अभी आज का स्पॉट है ऑन द वे टू कोलंबो हाईवे। ये एक टर्टल हैचरी है, यहाँ पे उन्होंने कंजर्वेशन करके रखा है, तो हम लोग अभी यहाँ पे आए हैं। ये दो है, एक 1,500 श्रीलंकन का और एक 2,500। तो 2,500 में वो आपको छोटे छोटे टर्टल समुंदर में छोड़ने को देंगे, और 1,500 में सिर्फ आप लेके फ़ोटो खींच सकते हैं। तो मतलब 1,000 रुपीज़ बस वो छोड़ने के लिए है, बाकी दोनों में वो एक्सप्लेन करेंगे, फ़ोटो खिंचाने देंगे वगैरह वगैरह। यहाँ पे ऐसे इन्होंने रखे and then I will show you one by one tag. The corner extend our egg hatchery area, and I will explain how we collect the eggs and how we produce the babies and how we release the babies back to the sea. And we are keeping here all turtles are injured, handicapped and disabled turtles. People find them on the beach, we bring in here. In here we doing medicine treatments. When they get better, we send back to them. Okay. Common species in India, olive ridley crab. And you can see this one green sea turtle. Green sea. But with the leg, but we cannot think about now because this one is still small now, 12 years old. When they come bigger, we hope to with the leg and use the same. And they have very hard shell for their protection, but we touch it, they have a feel like ticklish. They have a feel. If you like, you can touch only this species and only shell. Other one we cannot touch because they are male carnivorous. They can touch. Okay. Work, na? Just a night. Work. Follow work. Ajji, hat lavaisa ka? Ajji, hat lavaisa? Har lav na? A little bit big head, that's why we call it loggerhead. And this one we find time that shell damage from the boat accident. But our doctor do the surgery, fix the shell, and now we give in calcium. Shell get strong and recover within 2 months. Like that, after we send back to the boat. And we already remove it, and now it's healing within 1 week, like that after we remove it. And that babies are born last night. Oh, just last night. Last night born babies, and this evening we release to the sea. Because evening time is better time, that's why we release evening. Because evening no birds, no many predators, they have more chance to survive, that's why we release evening then. If you like, you can hold the baby a few seconds only for the experience. Do you want to try? Yeah. How to hold just like this? Birds and colors. What is the photo? Albino. And you can see front arm missing and shell get front arm missing from the fishing net. Because in Indian also have many trawler boats. Trawler boats is main trouble in the turtles, because when they land after they collecting everything. And you can see this one, olive ridley turtle. Olive ridley is common in India, in Goa.
And you can see Phantom singer shall get to the trouble boat accident after she cannot sink. Oh. Because get the hole here and struck air inside. That's why she cannot dive. Now we step by step remove the air, all of air remove after she will can dive. Using from the fishing. Eggs keeping on the beach go to the sea 3%. People and animal destroyed. Because some people collect the eggs and get eat. They think when they eat turtle eggs, they have more energy, high protein. It's an illusion, it's a myth, not a truth. How long it will take for? 48 until 60, maximum 2 months. Okay. And can you see near the egg hole, we show the board. First we write eggs deposit date. And second number of the eggs. How many eggs under the sun? Right. Third, which species and bottom number, our documents, our records. After 48 until 60 days, maximum 2 months, eggs hatching from sun rays, babies comes and talk by themselves and walk inside the hatchery. And last night born babies came, that egg goal. Can you see that collapse one? 117. Why is not going? Is he scared or okay? Okay. And you can see they can swimming. पकड सांग पुढे जाऊन सोडत्या ओल्याच ठेव खाली ठेव लवकर शुड वी चेंज इज डायरेक्शन ऑर नो नो दे नो वी आर द बी कैन यू ओह या बढ़िया एक्सपीरियंस था. अभी जाएंगे कोलंबो साइड, तो अगले दो नाइट्स कोलंबो में है हमारे. वो बहुत बढ़िया था एक्सपीरियंस. अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं कोलंबो. लास्ट के दो दिन कोलंबो में होंगे, तो ऑन द वे भी शायद दो तीन स्पॉट्स है, तो अभी वो कवर करेंगे. तो ये कोलंबो और मिरिसा के बीच में गैले, स्पेलिंग के मुताबिक GALLE गैले होता है, और यहाँ के लोग गॉल बोलते हैं. तो यहाँ का ये फेमस स्पॉट है, व्यू पॉइंट है. और अभी हम लोग श्रीलंका के एज पे खड़े हैं. मतलब अभी एक मिनट आपको दिखाता, यहाँ पे ये ज़मीन ख़त्म होता है और आगे पूरा समुंदर है. आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा एज पे हम लोग.